मतलब 10 मिनट घूम। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज जो अभी टाइम हो रहा है वो है 3:53 AM ट्यूसडे मार्च 21, और मिस्टर लियो सो रहा है यहीं बेचारा। और गाइस, आज जो बाहर का वेदर है वो काफ़ी 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 ज़्यादा ख़राब है, और आज बेसिकली है मेरा रिवीजन का डे। तो सबसे पहले जो रिवीजन करने वाले हैं वो है पिनाकल का 60 डेज, देन करेंगे हम KD कैंपस नीतू मैम का Volume 1, और उसके बाद लगाएंगे फिर मेंस का एक मॉक, फिर करेंगे रिवीजन, और उसके बाद फिर से लगाएंगे एक और मॉक। तो जल्दी जल्दी से पानी पी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट, बिना टाइम को वेस्ट करें। उठ गया तू, उठ गया। अच्छा, काटेगा मेरे को। तो गाइस, पहले हम कर रहे हैं सेल्फ नोट का रिवीजन, जो कि मैंने बनाया था द हिंदू एडिटोरियल से। ये है मेरे नोट्स, और इसके बाद फिर शिफ्ट होंगे पिनाकल के ऊपर, फिर नीतू मैम Volume 1 के ऊपर। तो गाइस, रिवीजन करते करते ना टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। हमें मॉक भी देना है अभी, तो इन सबको गाइस रखते हैं साइड में, और टाइम हो रहा है 6:10, जिम भी जाना है मुझे। जल्दी जल्दी से करते हैं सारा काम, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं पहले। थंडरिंग भी स्टार्ट हो गई है और वेदर हो रहा है कुछ ऐसा। अभी बहुत बहुत ज़्यादा बादल है इस साइड में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा घूम के, मतलब 10 मिनट घूम के फिर जाना है मुझे मॉक देने के लिए। सो फाइनली गाइस, टेस्ट बुक का SSC CGL Tier 2 फुल टेस्ट 11 ख़त्म हुआ है, और मार्क्स रहे कुछ ऐसे। तो मुझे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा रिजल्ट जाएगा, क्योंकि मुझे इस मॉक को देने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। एक मेजर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वो है स्टैटिक GK में, और दूसरा एडवांस मैथ। मुझे लगता है कि मेरा ठीक है, बट फिर भी पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं मैं मिस कर रहा था चीज़ों को, कि रिमेंबर करने में दिक्कत हो रहा था कि क्या हो सकता है, मतलब टाइम लग रहा था, टाइम टेकिंग था मेरे लिए। इंग्लिश काफ़ी ठीक था, और रीजनिंग तो नॉर्मल, सबका ही ठीक होगा। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने जो रियलाइज़ किया कि आप लोगों को वीडियो तो पसंद आ रहे हैं, बट नेगेटिव कमेंट फिर भी आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से, सभी से, मतलब सारे सीनियर से मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरे अंदर कोई कमी है तो आप उसको कमेंट करिए कि आप इस चीज़ को सुधारें, सिवाय कि ये गलत है, क्योंकि मेरे को वो चीज़ें इफेक्ट ही करेंगी। बट जो अभी SSC CGL की तैयारी में उतरे हैं, तो उन लोगों के लिए वो नेगेटिव कमेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है कि ये गलत करें, मतलब समझ रहे हो आप, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो बिगनर होते हैं ना, उनको छोटा सा मोटिवेशन भी बहुत बड़ा हो जाता है उनके लिए, कि आप बेटर कर रहे हो, यस आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बस ऐसे ही लगे रहो। वो छोटा सा मोटिवेशन उन लोगों के लिए बहुत बड़ा हो जाता है आगे के फ्यूचर के लिए। तो आप लोग भी कमेंट के अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन डाल दें, ऐसा कि बिगनर भी उस चीज़ को पढ़ के यस हाँ कर सकते हैं, हम उनके अंदर वो आ जाए कि हाँ हम कर लेंगे, ठीक है। तो अभी फटाफट से करते हैं जिम के लिए पैक, और उसके बाद चलते हैं जिम, और उसके बाद फिर आने के बाद जो है करेंगे रिवीजन। रिवीजन के बाद फिर से रहेगा हमारा मॉक, और मॉक के बाद अगर टाइम बचा, अगर बचा फिर क्लास लेंगे जीएस का, क्या देखते हैं, जैसा भी रहेगा। तो चलते हैं जल्दी जल्दी से।
सो गाइस फाइनली आ गया है मेरा लंच, और आज भैया ने जो है टाइम से पहले लंच पहुंचा दिया है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, और आज कुछ लग रहा है इंटरेस्टिंग सा है। देखते हैं क्या है आज। चावल, दाल, ओ अचार। तो गाइस खाना हो चुका है ख़त्म, और बारिश पड़ रही है अभी। वेदर काफ़ी काफ़ी अच्छा है, पढ़ने का मन बहुत ज़्यादा हुआ अभी। तो लियो को बाहर नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी लियो को लगता है वो भीगता बाहर खाली। तो 10 मिनट घूमते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, और टाइम हो गया है 10 मिनट एक्स्ट्रा, और अब हम लगाने वाले हैं मैथ्स का रिवीजन, टाइम एंड वर्क एंड मिक्सचर का जो क्वेश्चन है वो लगाने वाले हैं। और लाइट जो है बार बार डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो लैंप लगा लिया मैंने। हाँ, पिछले वीडियो में आप लोग नोट्स मांग रहे थे कि नोट्स दिखा दो आप अपने, तो ये शायद से मिक्सचर के नोट्स है। हाँ, मिक्सचर के नोट्स है, ठीक है। और टाइम एंड वर्क का स्टार्टिंग में है, ये टाइम एंड वर्क का है। ये मैंने पढ़ा था राकेश यादव सर से, और मिक्सचर पढ़ा था मैंने अभिनय सर से, मिक्सचर बाय अभिनय शर्मा। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 5:45, और अभी मैंने जस्ट खत्म किया है प्री फुल टेस्ट 8 टेस्ट बुक से, टेस्ट बुक का जो मॉक है, और मार्क्स रहे 185.5। रूम काफ़ी ज़्यादा बिखर गया, आप देख सकते हैं ये हाल बन गया है रूम का, ठीक है। तो जल्दी से रूम को करते हैं साफ़, और रूम साफ़ करने के बाद जो है, रूम साफ़ करने के बाद लियो जो है घर से भाग गया है अभी, पता नहीं कहाँ, ठीक है, कहीं घूम रहा होगा इधर उधर। तो जल्दी से लियो को लेके आते हैं, फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। एक दो क्लास लेते हैं मैथ्स के, और सोच रहा हूँ कि जीएस का भी क्लास ले लूँ, देखते हैं कैसा रहता है फिर। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 9:44, नींद तो आ रही है, बट घर वालों की बहुत उम्मीद है, इतनी जल्दी हार तो नहीं मान सकते। तो पॉलिटी ले रहे हैं खान सर से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय खान सर, 2x पे देखते हैं दो क्लास ले पाए या नहीं। पॉसिबल तो है कि दो क्लास ले लें। मिस्टर लियो इधर बैठा हुआ है। सो फाइनली आ गया है मेरा खाना, और मेरे साथ आज हो गया एक स्कैम, वो भी बहुत बड़ा। लौकी की सब्जी थी, तो मैंने कहा कि लौकी मत लाना, कुछ और ले आना, तो खाली रोटी दे गए शायद से, और कुछ नहीं है, पराठा होगा शायद से, मेरी रोटी, कोई ऑप्शन नहीं है, लेट भी हो रखा है। मार्केट तो अभी नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ता है जब पेरेंट्स घर पे नहीं होते, तो जिम के साथ शुगर ही अच्छा है। चलो खा लेते हैं, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अभी, बाद में बहुत अच्छा होगा, फिर जब सिलेक्शन होगा तब खाएंगे अच्छे से।